जी, हमने बहुत से प्रश्न लिखे थे, लेकिन जो इससे पहले क्लास हुई उसमें बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिसके उत्तर यहाँ सभी जो भाई बहने हैं वो भी सुनना चाहते हैं। एक प्रश्न है बीमारियों से संबंधित। जैसे कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बीमारियाँ आ जाती है जिसका कारण हम समझ नहीं पाते, जैसे अगर कोई नशा करता है और उसको कैंसर हो रहा है तो ये बात समझ आती है, लेकिन कई बार ऐसी ऐसी बीमारियाँ होती है और वो व्यक्ति कुछ भी न लेता है न ऐसी कोई चीज़ ग्रहण करता है फिर भी वो बीमारियाँ आ जाती है। क्या इनका संबंध पूर्व जन्म से होता है? दो बात हो सकती है, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं संबंध में, संपर्क में, ये कभी अलग होता है और दिल में क्या हो रहा है वो अलग होता है, क्योंकि कई परिस्थिति में हमको परेशानी मजबूरी है तो हमका हमारा वर्तन और हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है। ये कलयुग की एक निशानी है कि हम छुपा सकते हैं, क्योंकि क्या करें, बोल के झगड़ा होएगा ये, तो हम दबा देते हैं, बातें होती है परिवार में, घर में, जॉब पर बॉस होता है तो क्या टकराए से कोई फ़ायदा, तो हम दबा देते। तो ये इमोशंस डिप्रेस करने के, सप्रेस करने की भी से बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है। हम समझते नहीं कि हमने कुछ गलत किया, हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, मगर साइंस ने प्रूव किया है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं तो शरीर में इससे हार्मोन हम उत्पन्न करते हैं एबनॉर्मल, कि वो हार्मोन से इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जब इम्यून सिस्टम ख़त्म होते तो हार्ट पर असर होती है, फेफड़ा पर असर होती है, बोन्स पर असर होती है, पाचन शक्ति में असर होती है और कैंसर भी हो सकता है, तो बहुत बीमारी होती है। तो ये बात है कि हमको ऐसे लगता है मैंने नहीं किया, मैं भी मानती हूँ कि आपने कोई गलत नहीं किया, मगर किसी और ने आपकी लाइफ में गलत किया है, परिवार के कोई भी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, सासू ससुरा हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, जॉब पर को प्रॉब्लम हो, तो इससे भी हो सकता है। दूसरी बात है यस, पिछले जन्म का हो सकता है, मगर जिस मेरे कैंसर पेशेंट थे तो बहुत पेशेंट थे, उसने मुझे बोला, मैं उसको काउंसलिंग करती हूँ, मैं पुनर्जन्म का कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं कर्म का कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि दुख होएगा ना कि आपने ऐसे कर्म किया तो आपको कैंसर हुआ, आपके ऐसे कर्म किया, कभी नहीं, बाबा ने बोला ये नहीं, मैं बोलती नहीं हूँ कभी, मैं तो बोलती हूँ कि कैसे ठीक करना है, कैसे मेडिटेशन करना है, परमपिता परमेश्वर से दिल की बात करनी है, किसने दुख दिया तो उसको माफ़ी करना है, मैं बोलती नहीं किसने दुख दिया बोलो, माफ़ी करना है ये। और किसी किसी की बात ऐसी भी है कि पिछले जन्म में कुछ कर्म किए तो उसने जब परमपिता के पास थे तो परमपिता ने उसमें बोला कुछ अंजन ये होगा, ये आपको कैंसर होगा, ये होगा, ये तो बस कर्म क्लियर करने के लिए है, मगर आपके कर्म चुप्त हो जाए। तो मैनी पेशेंट्स ने मुझे बोला है कि जो मुझे कैंसर हुआ, कि ये बड़ी बीमारी हुई तो मुझे बहुत फ़ायदा कारक है, मेरा भला के लिए है, मैं उससे बहुत सीखी, मैंने दुख नहीं है। तो इससे भी हो सकता है, मगर हम तो मनुष्य आत्मा है, हमको क्या मालूम कि क्यों हुआ है, मगर सबका सॉल्यूशन तो एक ही है। मैं तो सिखाती हूँ परमपिता परमात्मा का संबंध, आत्मा और परमपिता परमात्मा का संबंध,
परमपिता भी नहीं बोलते, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, दी लाइट, जो भी नाम में क्या फर्क है, कनेक्ट करे आत्मा, नाम में क्या है, ये लाइट आत्मा से कनेक्ट करे आत्मा, तो बहुत फायदा होता है। दीदी जी, अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत से भाई बहनों का है कि ये देखा जाता है कि कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम कुछ गलत नहीं करते, पर फिर भी वे हमारे पीछे होते हैं, कुछ ना कुछ जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो क्या ऐसी जो आत्माएं हमारे जीवन में आती है, इनसे हमारा कुछ पास्ट का कोई हिसाब होता है, क्या ये सच है? होता तो भी देखो, सभी के संस्कार अलग होते हैं, मगर ये लोभ कर्म, लोभ बदला नहीं है, वो समझना है। कोई लोग कैसे संस्कार होते, मुझे भी दुख देंगे, आपको भी दुख देंगे, मैं नहीं होंगी तो कुछ रहूँगी, दूसरा नहीं होगा तो उसकी संस्कार स्वभाव ही ऐसा है, अच्छे नहीं है संस्कार स्वभाव तो क्या करेंगे। और बाबा बोलते कि वो आत्मा बहुत टेंशन में, बहुत परेशान है, उसको भी कुछ हुआ है, उन जन्म में हुआ कि ये जन्म में हुआ, कि उसका संस्कार ऐसा है, तो ये कर्म का खाता बढ़ाती है, बुरा कर्म का खाता। मेरा कर्म का खाता से उसका कोई लेन देन नहीं है, मुझे ऐसे नहीं सोचना है कि मैंने उसको कुछ किया, मैंने क्या किया तो ये मुझे कर रहा है, नहीं नहीं, मैंने पिछले जन्म में कुछ नहीं किया, मेरा संस्कार मैं देखती हूँ, मेरा संस्कार अच्छा है, मैं खुश रहूँ, उसका संस्कार बुरा है, मुझे सहन शक्ति नहीं है तो मैं दुख लेंगे, सहन शक्ति ज्ञान नहीं है तो दुख लेंगे, मगर ज्ञान ग्रामीण जन्म में तो ज्ञान है, तो बाबा बोलते हैं परवश है आत्मा माया के और बुरी इन्फ्लुएंस से परवश है, इसलिए उसका बिहेवियर, तो आप शुभ इच्छा रखो, तो ये बात है। मगर मैं एक बात बोलती हूँ, बाबा ने क्लियर बोला है कि एक परिवार, तो उसका हमारे ह्यूस्टन में है, तो बहुत अच्छा परिवार है, उसका बच्चा है, जब भी मैं मिली तो 8 साल का, तो जन्म से पैरालाइज्ड है, मीन्स पालसी है सरीबी, तो इतना बेडोर है, अब हम देखें ना बच्चे को तो अब डर लगे, भय बड़ा, मगर स्ट्रोलर में आँख भी कोऑर्डिनेट नहीं होती है, हाथ भी हलाता है तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, पाँव का भी कोऑर्डिनेशन, चलने की तो बात ही नहीं है, मगर माँ बाप को बहुत ये बच्चे से बहुत प्रेम है, मैंने देखा, जान दिल जान जैसा प्रेम। तो उसने बोला कि हमने क्या कर्म किया, तो ये बच्चे को हमने जन्म दिया, हमने कुछ बुरा किया होंगे, बाबा का क्या जवाब, कौन सा जवाब, बाबा ने बोला ये आत्मा है ना, ये जिसको पालसी है, बहुत बुरी स्थिति में है, ये मेरा बच्चा है, मैंने आपको ढूंढा कि आप में बहुत प्रेम है, तो ये दुनिया में से मैंने ये माँ बाप को ढूंढा कि ये मेरा बच्चा, बाबा का बच्चा आपके घर जन्म लेंगे, आप उसकी पालना करेंगे, आपने कुछ नहीं किया, आप तो बहुत अच्छी आत्मा है। तो ऐसे कभी नहीं सोचो, बाबा ने बोला कि मैंने बुरा कर्म किया तो ऐसे जन्म दिया मैंने, नहीं, बाबा ने मुझे चुना, और बाबा ने मुरली में, मैं आपको रेफरेंस भेजूंगी, बाबा ने मुरली में मुझे जवाब दिया कि कोई आत्मा हम रहते हैं तो बहुत दुख देती है, हमने कुछ किया ही नहीं तो बस वो दुख ही देती है, बहुत क्या बोलते हैं, गॉसिप करती है, कुछ करती है, वो तो दुख देती है, दूसरे को भी दुख दिलाती है, तो ये बात होती है, तो मुझे तो बहुत सहन करना पड़ता है ना, माँ बाप को भी कितना सहन करना पड़ता है, तो उसका निवारण किया है,
क्या बोला है बाबा ने मालूम है, मुझे कोई मेरे साथ सेंटर में रहते तो बहुत दुख देते हैं, जान पूछे सुनता ही नहीं है, करते नहीं, उसका संस्कार वो क्या करे, हमको साथ रहना है ना। तो मैं बाबा को बोलती हूँ कि मैंने क्या किया है तो ये मेरे साथ है। तो बाबा क्या बोलते हैं मालूम है, बाबा के आपने तो कुछ नहीं किया, आप तो बहुत अच्छी लड़की, आप किस आपने किसको किया है ऐसा। मैंने बोला मैंने तो किसने किया वो मुझे कर दो। तो बाबा का जवाब है वो माता पिता को और मुझे कि आपको भी कि आपके लाइफ में कोई बहुत बुरा होए, आपने कुछ नहीं किया आपको दुख देता है तो आप सहन करते क्या करें, मार डालेंगे उसको, हम तो ऐसे कर नहीं सकते, हम तो अच्छी आत्मा है। तो बाप दादा बोलते मैंने आप उसको चुना है आपके साथ, आप ही टॉलरेट कर सकती। तो माँ बाप को बोला कि मैंने आपको चुना है बिको ये लड़की गंदी है, खराब है, दुख देती है, बड़े तो मेरी बच्ची ना, मेरी बच्ची की आत्मा है, मेरा बच्चा की आत्मा है, तो कहाँ तो रखूँ ना उसको, तो मैं आपके पास रखा है, कहाँ रखूँ, सभी मेरे बच्चे हैं। तो आप सहन करती हूँ तो आप जब शरीर छोड़ेंगे ना तो मैं आपको इनाम दूंगा, वर्ल्ड बेनिफैक्टर। तो आपको को दुख देते हो आप सहन करते हो, आप सहन करते हो तो बाबा भी देता है आपको, मजबूर है ना वो आत्मा, किसको तो उसका करना पड़ता है, हम फेंक देंगे उसको, माँ बाप को सहन करना पड़ता है, फ्रेंड्स को सहन करना पड़ता है। तो आप ऐसे ही सोचो कि बाबा ने इस आत्मा को चूसा है कि इसके उसके पास कोई जगह ही नहीं है रखने की, मुझे चुना है कि अब मैं टॉलरेट करूँ, मैं सहन करूँगी, मैं सफ़र करूँगी पर उसको रखूँगी। तो मुझे बाबा वर्ल्ड बेनिफैक्टर विश्व कल्याणकारी का अवॉर्ड देंगे, वो माँ बाप को जिसका बच्चा बहुत क्रिपल्ड है, मेंटली क्रिपल नहीं है, मेंटली क्रिपल्ड होता तो यही बात, बाबा उसको वर्ल्ड बेनिफैक्टर माँ बाप को अवॉर्ड देंगे। हम तो कितनी भी सेवा करेंगे तो वर्ल्ड बेनिफैक्टर का अवॉर्ड नहीं मिलेगा, वो माँ बाप को मिल गया, जो सहन शक्ति वाले हैं, सहन शक्ति तो शक्ति है ना, आठ शक्ति में एक शक्ति है सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति। तो ये शक्ति जो मेरे में होंगी और मैं टॉलरेट करूँगी तो मुझे बाप दादा उसका इनाम देगा। तो मुझे ऐसे नहीं सोचना है कि ये मुझे दुखी करती है, मुझे तंग करती है, मुझे ये करती है, बोला मुझे तो ठीक है बाबा मुझे रिवॉर्ड देने वाले। तो मेरी सोच मेरी वृत्ति अभी बदल गई है, आप भी बदल देना कि आपको बाबा रिवॉर्ड देंगे, आपने कुछ गलत नहीं किया है तो बाप तो देखता है ना, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कौन सा रिवॉर्ड, वर्ल्ड बेनिफैक्टर विश्व कल्याणकारी, तो ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। तो लॉ ऑफ कर्म को समझना है, क्योंकि भगवान को तो सभी बच्चे हैं भगवान को, तो भगवान को तो कहाँ तो रखना है, वो उसको किसके पास रखे, तो जहाँ सूट हो वहाँ रखे, ठीक है। बहुत ही सुंदर जवाब दीदी जी, और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ दीदी जी जो बाबा शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये परमात्मा परमपिता परमात्मा के लिए दीदी जी बता रहे हैं। दीदी जी एक प्रश्न है, जैसे हर बीमारी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ निशानियाँ होती है, उसी तरीके से अगर हमारे सर पर पूर्व जन्मों का, जैसा अभी हम लास्ट अभी सेशन में सुन भी रहे थे, अगर पूर्व जन्मों के पापों का बोझा है तो उसकी क्या निशानियां हैं, माना हम कैसे समझे कि पास्ट का हिसाब अभी काफ़ी बाकी है और उसका समाधान क्या है। देखो हम तो मनुष्य है, हम जज नहीं कर सकते हैं, वो तो भगवान परमपिता परमात्मा और जो सहन कर रहा है, मगर हम गेस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो ये बात हुई है वो तो हो गई है, वो तो पास कर्म की बात है, मगर हमको अभी का सोचना है, पास का नहीं सोचना है। तो हम अभी क्या करें, कैसे हम उसको चुकतू करें, तो उसकी साइन क्या है कि हम बहुत कोशिश करेंगे तो वो मानेंगे ही नहीं, हमारा सुनेंगे ही नहीं, क्यों क्यों नहीं सुनेंगे, मैंने तो बहुत को कोशिश किया है,
सब कुछ किया है जो परमपिता ने सिखाया वो ही किया है, जो मैंने मेडिसिन में सिखाया वो ही किया है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। क्यों क्यों मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि उसके पास कमज़ोर शक्ति नहीं है। उसका जब टाइम आएगा, एक्यूरेट सफरिंग का टाइम ख़त्म होगा, तब वो मानेंगे। तो हमको मालूम नहीं है कब होगा, हम तो कोशिश करें मगर हम नहीं जान सकते। मगर वो आत्मा बहुत कमज़ोर होती है, उसके दिल अंतर में उसको मालूम है कि उसने कुछ बुरा किया है, तो उसके में शक्ति नहीं है मानने की, समझने की। जैसे कोई अल्कोहलिक होते हैं, दारू, हम कितनी कोशिश करें, परिवार बहुत दुखी दुखी होते हैं मगर सुनते ही नहीं है। सफ़र तो सब होते हैं। तो ये बात है, गुप्त बात है, भगवान के हाथ में है और ये आत्मा के बात में। पर हमारी बात ये है कि हम इसको शुभ भावना, शुभ चिंतन करें तो उसको ज़रूर फर्क आएगा। दूसरी कोई दवाई नहीं है, वो मेडिटेशन तो कर नहीं सकते, सुनेंगे भी नहीं, मगर हम तो उसकी शुभ भावना करेंगे, शुभ इच्छा रखेंगे कि वो परवश आत्मा है, ये दुखी आत्मा है, हम उसको मदद करें, गुड विशेष करें, उसका बुरा नहीं सोचें, बुरा नहीं, तो वो ठीक करेंगी वो आत्मा को, वो काम करेंगे। ठीक है। तो दीदी जी, पुण्य कर्मों के खाते को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या इससे भी हमारा पास्ट का ऐसे कुछ जो कर्म है वो चुकते हैं, अगर हम कुछ अच्छे कर्म करेंगे? हाँ, हम अच्छे कर्म करेंगे तो न्यूट्रलाइज होगा। हमने जो भी बुरे कर्म किया है तो उसको कैंसिल करना है, अच्छे कर्म करो, उसको कैंसिल कर सकते जरूर, वो तो लॉ ऑफ कर्म है, करो अच्छे कर्म करो तो कैंसिल होगा। मैंने बुरा कर्म नहीं किया है तो भी मैं अच्छा कर्म करूँ तो मेरा भाग्य में जमा होगा, कैंसिल करना नहीं है, क्योंकि मेरा देवा ही नहीं, मेरा देवा नहीं है, मैं वो नहीं करती, तो न्यूट्रल नहीं करना है, मेरे खाता में जमा होगा। जो भी अच्छे कर्म करे, मेरा बुरा कर्म कैंसिल होगा, जो कैंसिल नहीं होगा तो जमा होगा अच्छा खाता। तो ये तो करना ही है हमको, कुछ भी परिस्थिति में कैसा भी आदमी हो, वो ही सिखाते हैं ना सब धर्म वाले, तो परमपिता परमात्मा भगवान भी हमको यही सिखाते हैं कि छोड़ दो पिछले जन्म की, छोड़ दो, आपको जितना अच्छा हो सके ऐसा करो, मगर आप बदला लेने के लिए बुरा मत करो। बस आप बुरा करेंगे तो आप उसके साथ जोड़ गए, उसने बुरा किया मैं भी बुरा करूँ, ये लॉ ऑफ कर्म है, तो बढ़ जाएगा ना मेरा कर्म है, मैं तो दूर रहना है बुरे कर्म, मैं अच्छा कर्म करूँ। देखो गांधी ने बोला ना, एक मारे तो दूसरा मगर बदला मत लो। बहुत बहुत महापुरुष है भारत के, वो ये सिखाते हैं, कभी भी ये नहीं करो, कोई भी जैसा भी कर्म है सहन करो, उसकी शुभ इच्छा रखो। ठीक है दीदी जी, एक प्रश्न है, कई बार ऐसे देखने में आता है कि बचपन से ही कुछ संस्कार होते हैं, जैसे कोई बच्चा है उसको पानी से बहुत डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को आग देख करके ही डर लगता है, तो आखिर इसका क्या कारण है? लास्ट जन्म में वो डूब गया था, किसने डुबाया उसको, तो ये जन्म में वो पानी से डरेगा। कोई ऊपर से पड़े मर गया बड़ा बिल्डिंग से, तो ये जन्म में तो स्वाभाविक है, वो बहुत अनुभव जो बुरा अनुभव छप गया है संस्कार में, तो इस जन्म में होगा। और कुछ ने तो पियानो सीखते हैं, खिलाड़ी है, तो इस जन्म में 2 साल का बच्चा बेस्ट पियानिस्ट अमेरिका के, उसे भी अच्छा पियानो बजाता है, वो हैरान हो गई कि उसने 2 साल में सब सीख लिया। लास्ट टाइम में वो दादा था पियानो का, पियानो प्लेयर, तो ये जन्म में वो संस्कार आ गए, सन्यासी संसार जब शरीर छोड़ते तो दूसरे जन्म में क्या करते हैं, सन्यास, क्यों कि उसके संस्कार में भरा हुआ है, यही उसको पसंद है, तो यही होगा।
दीदी जी, कोई एक ऐसी कोई रिसर्च का कोई किस्सा हो जो आप हमसे शेयर कर सके इससे संबंधित? कौन सा? कोई भी जो रिसर्च हुई हो अमेरिका में जो आपने देखी हो और इससे संबंधित, जिसमें ऐसा कोई बच्चा हो, कोई डरता हो किसी बात से लेकिन जब उसे कुछ पता चला हो। बहुत, जो डॉक्टर फ्योरी है इसने यही किया है सभी, कि एक लड़का पानी तो देख के सो, पानी पीने के भी डर लगता था, तो पानी बिना कैसे जी सके। तो माँ बाप बेचारे हैरान थे गया कि पानी पिलाते तो उल्टी करने लगता है, बहुत पसीना होता है, तो ऐसी बीमारी में कैसे जी सकता है। तो पानी तो हमको सभी को जाए, पानी जो के डरता है। हमने तो एक ब्राह्मीन को भी दिखा है, बोलता है अमेरिका में है तो बारिश है तो कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मुझे घबरा। दीदी, मैंने बोला छत्ती ले जाओ, कार में बैठा हो, कारपोर्ट है तो अंदर बैठो, पानी तो आपको मुझसे देख के मुझे मैं मर जाऊँगा, पानी दादी नहीं ली जाओ। जो बच्चे को तो उसको पीछे हिप्नोटाइज किया तो बोला है कि किसी ने मुझे फेंक दिया तो मैं डूब गया था, मैं ऊपर से गिर गया था, ये सभी तो डर दूर करने के लिए, पानी पीने की तो ज़रूरत है, तो इसलिए। तो ये बात तो प्रूव हो गया है कि अगले जन्म की कोई बुरी बात हुई है उसकी असर जो बुरी ये जन्म में होती है तो यही परिणाम होता है। इसको देख के घबरा के भाग जाते हैं, किस आदमी को देख के भाग जाते हैं, सगे वाले को देखते कि कुछ हुआ लास्ट जन्म में, तो ये जन्म में उसकी असर है, तो ये आता है, अंतरात्मा में बैठा है, रिकॉर्डेड है, तो ये सामने आता है। मालूम नहीं होता है क्यों, मगर होता है जरूर। तो ये बहुत ऐसी बीमारी होती है, बहुत। तो दीदी जी, अगर ऐसी ये जो समस्या अगर किसी के यहाँ हो तो समाधान क्या है, किस तरीके से? समाधान तो जो काउंसलर हो, जो पास जन्म को समझता है, वो उसको काउंसल कर सकता है, हिप्नोटाइज करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास आए तो मैं कर सकती हूँ कि पानी पीने का डर है तो बच्चे को समझाते कि ये हुआ होगा, पानी में ये हुआ होगा, बताते अभी तो अब ठीक हो, अभी तो पानी से कुछ नहीं हुआ, पेट में माँ की जो गोद में थे तो गर्भ में तो ही पानी में ही थे, मैं समझाऊँ अच्छी तरह से। उसको काउंसलिंग करना है, कन्विंस करना है, धीरे धीरे कन्विंस करे तो बैठ जाएगा, क्योंकि वो समझती है मैं क्या बोलती हूँ। वो मन से नहीं समझेगा, चेतन से नहीं समझेगा, पर अंदर आत्मा तो समझेंगे कि ये बात सच बोल रही है, पानी का क्यों डर है, इसका क्यों डर है, इसका क्यों डर है। तो हम कर सकते हैं, मगर ऑर्डिनरी जिसको ज्ञान नहीं है वो नहीं कर सकते। लाइक डॉक्टर होते तो डॉक्टर कर सकते बीमारी, तो इसकी भी नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज है पुनः जन्म की वो कर सकते हैं। लाइक डॉक्टर फ्योरी, उसको मालूम है कि अगले जन्म की जो कुछ हुआ ये जन्म में असर हो सकता है, ये बात है। बहुत सुंदर जवाब दीदी जी। दीदी जी, एक प्रश्न है, आज ये देखा जा रहा है कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो डिप्रेशन, एंजाइटी ये भी आत्माओं में काफ़ी बढ़ते दिख रही है, और आए दिन सुसाइड के, आत्महत्या के केस सुनाई देते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम सुसाइड कर लेंगे तो हमारी सारी समस्याओं से हम फ्री हो जाएंगे, उसका समाधान मिल जाएगा। तो क्या आत्महत्या करना और इस तरीके के विचारों को मन में लाना हमारी किसी समस्या का समाधान हो सकता है? जो अमेरिका में रिसर्च किया है उसका जवाब मैं देती हूँ। जिसने सुसाइड किया है उसको हिप्नोटाइज किया है, क्लास लाइफ में ले गए हैं, तो वो सब बोलते हैं ट्रुथ कि हमने सुसाइड किया और 7 जन्म भटके भूत, और पीछे अचानक किसकी दवा से, किसकी दुआ से, किसके ब्लेसिंग से, किसी से शुभ इच्छा से हमको छुट्टी मिल गई भटकने से और शरीर मिल गया।
ऊपर वाले की दुआ से कि हमको शरीर मिल गया। मगर बहुत लोग बोलते हैं साइंटिस्ट कि जो जिसने सुसाइड किया ने बहुत भटकती है, मगर बहुत दुखी दुखी परेशान होकर भटकती। जो दुख था उससे सुसाइड किया वो दुख जाता नहीं है, चित जाता है, संस्कार में बैठ जाता है, संस्कार में बैठ जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। ये दुख से छूटना बहुत मुश्किल है। और आध्यात्मिकता से तो यही है कि जो आत्मा सुसाइड करती है वो तो मर्डर है, अपने शरीर को मर्डर किया। किसी और को मर्डर करे तो जाना पड़ता है ना कोर्ट में, जज के पास, जेल में होना पड़ता है। ऐसे कहीं तो अपने शरीर को भी ख़त्म करेंगे तो ये भी मर्डर है, खून है, तो उसका भी बहुत सहन करना पड़ता है आत्मा को। भटकेगा और शरीर लेगा तो भी सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए सुसाइड सोचना भी बहुत, सुसाइड से कोई एंड नहीं होता है, शरीर ही एंड होता है। आत्मा का प्रॉब्लम एंड नहीं होता है, आत्मा भूत होके भटकेंगी, ये सभी बोलते हैं साइंस वाले। दीदी जी एक बात थी, अभी प्रश्न एक आया था कि जैसे अगर मैं कोई गलत कर्म करता हूँ तो क्या उसकी सज़ा मेरे परिवार वाले को या रिश्तेदार को मिल सकती है, या वो शेयर हो सकता है, या हर आत्मा अपने जो हिसाब किताबें खुद चुकाती है? देखो लॉ ऑफ कर्म शरीर के संबंध नहीं है, लॉ ऑफ कर्म आत्मा का है। तो वो जो आत्मा ने बुरा किया वो ही सहन करेंगे। परिवार वाले की को परिवार वाले ने बुरा किया तो उसके फैमिली मेंबर को कुछ नहीं होगा। मैं भी हो सकता है कि वो आत्मा दुख दे सकती है, मगर उसको भोगने की कोई किसी उसने तो किया ही नहीं है। तो लॉ ऑफ कर्म तो जस्ट है ना, ट्रूथ है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे माँ ने किया, मेरे बाप ने किया, मेरे भाई ने किया, मेरे भाभी ने किया, मेरे मामा ने, तो मुझे क्यों, मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, मुझे कुछ सहन नहीं करना पड़ेगा। कुछ मुझे सहन करना पड़ता हो सकता है, मगर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं बोलते ना पूर्वज ने जिसने बुरा कर्म किया होगा तो आपको सहन करना पड़ेगा, तो आप जो करेंगे तो आपके बच्चे बाल बच्चे को सहन करने, बात नहीं सही है ये, तो ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। एक लास्ट प्रश्न है दीदी जी कि जैसे हम बात करते हैं कि हम जो अच्छा कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है, आखिर ये सारा हिसाब किताब रखा कैसे जाता है, कौन रखता है, क्या इसका निर्णय परमात्मा लेते हैं? देखो हम आत्मा में हमारा संस्कार है, ये अभी हम सभी लोग बोलते हैं महात्मा कि अभी कलयुग बीत रहा है, कलयुग तो बीत चुका है, अभी तो नरक अंत है कलयुग का, तो संस्कार स्वभाव भी ऐसे ही होंगे। तो किसी का संस्कार स्वभाव बहुत बुरे है तो वो ऐसे ही कर्म करेंगे, क्योंकि अभी हम दुनिया में ऐसे जीते हैं कि जो वाइब्रेशंस है वो बहुत बुरे हैं। हम रंग का संग लगता है, रंग का संग तो लगता है, पर सब बोरे आदमी है उसका वाइब्रेशंस भी, जो इनोसेंट है, नादान है, वो उसके ऊपर असर होता है। किसी का बुरा वाइब्रेशंस का असर मुझे हो सकता है, जो मैं वीक कमज़ोर आत्मा हूँ तो हो सकता है मेरा संस्कार कमज़ोर है तो मैं पकड़ूँगी रंग का संग, ये हो सकता है। मगर दुनिया की एटमॉस्फेयर ऐसी नेगेटिव है कि हम सभी रंग के संग में लग जाते हैं। हमारे संस्कार बुरे नहीं हैं, मगर हम ऐसी कंपनी में हैं तो उसका रंग लग जाता है, वो संभव है। तो ऐसे भी हो सकता है, दुनिया की एटमॉस्फेयर ऐसी, हमको बहुत कॉशियस रहना है
अलर्ट रहना है कि किसी और की असर हमारे ऊपर ना पड़े, क्योंकि कोई हमको सिखाए ये बुरा करो ये बुरा, हम सीख जाएंगे, कोई हमको बोलेंगे ये अच्छी नहीं है ये, तो हम भी उसको दुख देने लगे कि उसने बोला कि ये तो अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, सुना गॉसिप सुना और हम करने लगे, तो उसका पाप कर्म होता है ना। मगर वो असर नहीं होंगी, हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। हम आशा करते हैं कि हमारे मन के कई प्रश्नों के उत्तर आप सभी को दीदी जी के द्वारा मिले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।